हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश हैड 20 पेंसिल, शीलू हैड 50 पेंसिल एंड जमाल हैड 80 पेंसिल। कह रहा है रमेश के पास 20 पेंसिल हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल हैं एंड जमाल के पास 80 पेंसिल हैं। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश 4 महीने के बाद 10 पेंसिल यूज़ करता है। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल। शीलू 4 महीने के बाद 25 पेंसिल यूज़ करती है। जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल और जमाल 40 पेंसिल यूज़ करता है। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप? तो एक तो हमें क्वेश्चन बताना है कि क्या है इनका फ्रैक्शन जो उन्होंने यूज़ करी हैं। चेक इफ़ ईच यूज्ड अप एन और चेक करो यदि उन्होंने यूज़ करी है इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज एंड हर फ्रैक्शन, कि उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज़ किया है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैड पेंसिल्स। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है रमेश, लिख लेंगे रमेश। फिर कौन है? शीलू है। और फिर कौन है हमारे? जमाल। ठीक है, सबके हमने नाम लिख लिए। तो रमेश के पास हेड पेंसिल, रमेश के पास कितनी पेंसिल हैं हमारी? 20 पेंसिल हैं। शीलू के पास कितनी पेंसिल हैं? 50 पेंसिल हैं। जमाल के पास कितनी पेंसिल हैं? 80 पेंसिल हैं। ठीक है, एंड यूज्ड पेंसिल दे यूज्ड, अगला लिखेंगे हम पेंसिल दे यूज्ड। पेंसिल उन्होंने यूज़ कितनी करी है? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद रमेश ने कितनी पेंसिल यूज़ करी हैं? 10। तो रमेश के नीचे हम लिख देंगे 10। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल, तो शीलू के नीचे 25 लिख देंगे। जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल, तो जमाल के नीचे 40 लिख देंगे। राइट, अब कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। फ्रैक्शन अब हम निकालना है हमें फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि टोटल चीज़ हम नीचे लगते हैं और जितनी उन्होंने यूज़ करी वो हम ऊपर लिखेंगे। जैसे रमेश के पास कितनी पेंसिल हैं? 20 पेंसिल हैं टोटल। ठीक है, और 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ उसने यूज़ कितनी करी हैं? 10 पेंसिल। तो ऊपर हम लिख देंगे 10। तो ये रमेश का फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि नीचे हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? टोटल नंबर, और ऊपर जो उसने यूज़ करी है। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे शीलू के पास टोटल कितनी पेंसिल थी? 50 पेंसिल थी, तो 50 हमारी टोटल नीचे आएंगी और यूज़ उतने कितनी करी? 25। तो 25 हम ऊपर लिख देंगे। अब हम जमाल की बारी आती है, जमाल के पास टोटल पेंसिल कितनी है? 80 पेंसिल है, तो 80 को हम नीचे लिख देंगे और यूज़ उसने कितनी करी है? 40 करी है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन को हमें किस में लिखना होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, 10/20 को 1/2 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 गया तो 1/2 बचा। अब इसको करेंगे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2 हो जाएगा। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, या 0 से 0 हटाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो चेक इफ़ ईच यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर फ्रैक्शन। यस दे हैव, यस दे यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल्स। भाई इक्वली तो फ्रैक्शन यूज़ करा, 1/2, रमेश का भी 1/2 आया, शीला का भी, शीलू का भी 1/2 आया और जमाल का भी 1/2 आया। तो हमने लिख दिया यस दे यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल।